सिविलपीडिया में आपका स्वागत है। बिना टाइम गवाए लेट अस स्टार्ट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लोटिंग फाउंडेशन। फ्लोटिंग फाउंडेशन क्या होता है? कई बार हमने सुना हुआ होता है कि एक्सपांसिव सॉइल में, एक्सपांसिव सॉइल जो होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, वहां पर फ्लोटिंग फाउंडेशन प्रोवाइड किया हुआ होता है। तो क्या है फ्लोटिंग फाउंडेशन, क्या है उसका बेसिक कंसेप्ट, तो आज उसे हम समझने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज फ्लोटिंग फाउंडेशन। तो यहाँ पर व्हेन द एक्सकेवेशन वेट इज सिमिलर टू द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर विथ इट्स फाउंडेशन। तो क्या कहा गया है कि फ्लोटिंग फाउंडेशन में क्या कंडीशन लेने की होती है, कि जब भी स्ट्रक्चर का जो वेट होता है उसके फाउंडेशन के साथ उतने ही वेट का एक्सकेवेशन हम करते हैं। इन शॉर्ट, एक्सकेवेशन वेट इज इक्वल टू स्ट्रक्चरल वेट होता है। इस कंडीशन को हम मेंटेन करते हैं, वहाँ पर हम फ्लोटिंग फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय दिस सेटलमेंट ऑफ द सब सॉइल इज प्रिवेंटेड। तो क्यों हम बोलते हैं कि सेटलमेंट ऑफ सब सॉइल इज प्रिवेंटेड, तो हम आगे देखते हैं आगे की स्लाइड में। तो उसके कारण क्या होता है कि सेटलमेंट जो होता है हम रिड्यूस और प्रिवेंट कर सकते हैं। रिजिड फाउंडेशन हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर भी फ्लोटिंग फाउंडेशन प्रोवाइड करना होता है वहाँ पर हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब मैं आपको तीन फिगर दिखाऊंगा, यहाँ पर एक फिगर, यहाँ पर दूसरी फिगर, यहाँ पर तीसरी फिगर। ये तीनों फिगर से आपको आइडिया आ जाएगा कि फ्लोटिंग फाउंडेशन एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर पहली फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रक्चर का वेट निकाल लिया है विथ इट्स फाउंडेशन। तो वो कितना निकल के आया है, यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि एक्स किलो न्यूटन हमारा वेट आएगा स्ट्रक्चर का विथ इट्स फाउंडेशन। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सॉइल विथ सेटलमेंट नेचर। तो सेटलमेंट नेचर किस सॉइल की होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल। जनरली ब्लैक कॉटन सॉइल की सेटलमेंट बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर हमने एक्स किलो न्यूटन का हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेटलमेंट बिहेवियर का सॉइल है। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम एक्सकेवेशन कितना करते हैं, तो एक्स किलो न्यूटन। एक्स किलो न्यूटन कितना है, जो हमारा स्ट्रक्चर का वेट एक्स किलो न्यूटन है, उतना ही एक्सकेवेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने फ्लोटिंग फाउंडेशन की कंडीशन को फुलफिल कर लिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बेस फाउंडेशन का जो बेस होगा, फुटिंग का जो बेस होगा, वहाँ की सॉइल में क्या इफेक्ट होगा कि उसके ऊपर पहले जितना वेट था एक्सकेवेशन के पहले, उतना ही वेट हम यहाँ पर तीसरी फिगर में आप देख सकते हो स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसे दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेस कंडीशन में क्या होगा कि उस पर कोई भी एक्स्ट्रा लोड हम नहीं दे रहे, बल्कि पहले जितना लोड था उतना ही लोड हम स्ट्रक्चर के थ्रू दे रहे हैं। तो ये कुछ था हमारा फ्लोटिंग फाउंडेशन का कंसेप्ट। जितना एक्सकेवेशन करते हैं उतना ही स्ट्रक्चर का लोड हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉइल क्या समझता है कि पहले जितना लोड था उतना ही लोड अभी भी आ रहा है, तो वहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस रहते नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चांसेस ऑफ द सेटलमेंट इज प्रिवेंटेड। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि सेटलमेंट प्रिवेंट कर रहे हैं। तो अब Why floating foundation is provided? तो क्यों floating foundation हम provide करते हैं? When the subsoil settlement is more under heavy load, जहाँ पर भी load heavy होता है structure के through और soil जो होती है वो settlement behavior होता है वहाँ पर, वहाँ हम floating foundation provide करते हैं। When the soil has poor strength and no harsh strata at shallow depth, जहाँ पर भी shallow depth में हमें hard strata नहीं मिलता और हमारा structure का load ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम floating foundation provide करते हैं। इन दैट कंडीशन टू प्रिवेंट द सेटलमेंट ऑफ सब सॉइल। और ऐसे करके हम सेटलमेंट ऑफ द सब सॉइल है उसे प्रिवेंट और रिड्यूस कर रहे हैं। आप समझ गए हो कि फ्लोटिंग फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएगी ही फ्लोटिंग फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो यहाँ पर पहली है एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन में क्या डिफ़िकल्टी आएगी, तो हमें जो एक्सकेवेशन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सरफेस के पास की जो सॉइल होती है वो अंदर अंदर की बाजू इनसाइड वो गिर ना जाए, उसके कारण हमें यहाँ पर सपोर्ट देना पड़ता है एज अ सीट पाइल। तो ये हमें एक क्या होता है कि ये डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हमें शीट पाइल प्रोवाइड करनी पड़ती है। दूसरा है डी वाटरिंग। तो कहाँ पर डी वाटरिंग करते हैं, जहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल हाई रहता है वहाँ पर डी वाटरिंग का प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पर प्रॉपर मेथोडोलॉजी से हमें डी वाटरिंग करना पड़ता है। और बॉटम व्यू, बॉटम व्यू यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पर हमने एक्सकेवेशन किया और यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉइल अपर लेयर में आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर कैपिलरी इफेक्ट देखते हैं, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, तो उसके कारण सब नीचे की जो सॉइल होती है एक्सकेवेशन के नीचे की सॉइल वो स्लाइटली ऊपर आ जाती है और वहाँ पर सॉफ्ट कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो वहाँ पर उसे हम बॉटम व्यू बोलते हैं। तो उसे भी प्रॉपर मेथोडोलॉजी से हमें प्रिवेंट करना होता है। तो ये थी हमारी कुछ
फ्लोटिंग फाउंडेशन की कंडीशन और डिफिकल्टीज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फ्लोटिंग फाउंडेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।